तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो लाइव मौजूद हैं। बाबुल, स्वागत है आपका आज तक पर। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। अभी जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और युवाओं से उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन के कई वाकये सुनाते हुए ये कहा, इशारों में बड़ी बात कही कि देश हित में विचारधारा के टकराव को पीछे छोड़ देना चाहिए। क्या यह समझा जाए कि जेएनयू में पिछले कुछ वर्षों में जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं सामने हुई हैं, पीएम का इशारा उसी की तरफ है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ कहते हैं तो सूझबूझ के साथ कहते हैं, समझा के कहते हैं, और क्यों किसी बात को कह रहे हैं उसके साथ जो है उसके पीछे कहानी क्या है या किस वजह से वो किस बात को कह रहे हैं, वो उसका स्पष्ट रूप से एक छवि जो है वो पेंट करते हैं। अब ये बाकी सामने जो सुन रहे हैं, मैं जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी उनकी बात सुन रहे हैं वो अपने अपने नजरिया से जो है वो उसे सुनते हैं। विवेकानंद जी का एक, हम बंगाल के हैं तो उनकी एक वाणी को मैं पूरी जिंदगी में जो है, हम कई यंगस्टर्स जो है या हमेशा जिंदगी में कोई भी मोड़ पे आपको जब आप कुछ नया चीज करने जा रहे हैं तो आपको ये, उन्होंने ये सा कहा था कि एवरी वर्क हैज टू गो टू थ्री स्टेजेस, ऑपोजिशन, रिडिक्यूल एंड एक्सेप्टेंस। पहले जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले बहुत लोग आपको अपोज करते हैं, जब वो अपोज नहीं कर पाते हैं जब तब उसको रिडिक्यूल करते हैं, उसको लेके मजाक उड़ाते हैं, फिर अंत में जब उनको समझ में आती है तब वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो ये मोदी जी जो आज सोचते हैं ये अब साबित हो गई है कि ऑपोजिशन जो है वो कई सालों के बाद उनको बातें समझ में आती है। तो आई थिंक दैट सिर्फ जेएनयू की बात नहीं करूंगा, बट कल भी उन्होंने बिहार के जो अभिनंदन रैली, जो नड्डा साहब ने कहा था कि बिहार के सारे लोग कार्यकर्ता को अभिनंदन देना है मेहनत के लिए, जीत के लिए, वहां पे भी उन्होंने जो बातें कही है तो उसमें भी किसी बहुत सारे नाम उन्होंने नहीं लिए, लेकिन उनका संदेश जो है वो बड़ा स्पष्ट था। और जेएनयू एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में है, वहां पे यंग लड़के जो है मानसिक तौर पर टकराव वाली स्थिति कहीं पर भी पैदा नहीं होना चाहिए। मैं आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मनिर्भर होने के लिए जो सोच, कंस्ट्रक्टिव जो सोच चाहिए उसकी दिशा में उन्होंने सबको ये मार्गदर्शन दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे अपने दिल से समझेंगे और उसी दिशा में आपका कॉलेज का भी गरिमा को बढ़ाए। आपने जो बात कही ना कि पीएम जो बात कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा संकेत होता है, तो हम कल के उस कार्यक्रम का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बंगाल को लेकर उनकी इशारों इशारों में कही गई बात पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे।